सीआरपीएफ जवान जो देश की रक्षा करते हैं, लेकिन ड्यूटी पर जब गए होते हैं घर पर कोई नहीं होता है, वापस जब आते हैं इस घर से चोरी हो जाती है, तकरीबन लाखों की चोरी हो जाती है। ये वही सीआरपीएफ जवान अश्विनी जी का घर आप इस वक्त आप देख पा रहे हैं, घर में कोई नहीं होता, लेकिन जब आंटी जी घर पर लौटती हैं, देखते हैं सारा सामान बिखरा हुआ होता है, दरवाजे खुले होते हैं, कैश चोरी हो जाता है, गोल्ड सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो चोरी हो जाती है। आंटी जी से जानते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं, घर में एंटर करते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। आंटी जी क्या कुछ हुआ था बताएंगे? मेरे को जी आका देखे दरवाजे खुले पाए सब, मेरे को हाथ लगा कर नहीं देखा, मैंने ऐसे ही देखा भाई यहाँ खिंडिया पड़ा सब कुछ। अच्छा। फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले उन्हें देखभाल कर फिर बोले देख कर भाई यार इसको बता, मका जी मेरी थी ये चोरी हो रही, फिर मेरे को देखी तो क्या मतलब दरवाजे खुले हुए थे, दरवाजे खुले बिखरा हुआ था, बिखरा सामान बिखरा पड़ा था बिल्कुल। पेटी कुछ चोरी हुआ आप लोगों का जी? बहू के जेवर है गल का सोने का, और मेरी दो गूठी सोने की इसके दादू की, और दो मेरी पैरा की चैन, और 10-15 हजार मेरी मकान में अलग से ले रही थी मैं, मेरे अलग से करी चोरी, इनकी अलग से, मतलब दोनों कमरे में उनको छापा मारा पीछे से। अब कोई पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी आप लोगों ने? हाँ करवा दी जी, कल करवाई। तो अश्विनी जी की माता जी? हाँ अश्विनी की माता जी हूँ मैं, कल करवा दी जी मेरे को। तड़के भी इतना काफी नुकसान हो गया, काफी मरा, लाखों रुपए का नुकसान हो गया जी, तोड़ तो दो पेटी तोड़ दी, अलमारी भी तोड़ दी। तो कुछ क्या ताले वगैरह भी तोड़े थे? ताले तोड़ रखे जी मेरे कहाँ पर? तो ये बताया जा रहा है ताले जो हैं वो तोड़े होते हैं और लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। ये तीन ताले पड़े क्या? तीनों ताले तोड़े जाते हैं? तीन कमरों के ताले तोड़े हैं, एक बैठक का और दो रूम हमारा बेडरूम में, दूसरा रूम में उनके लॉक तोड़ दिए पूरे, और पेटी का भी लॉक थे दो, इसके भी दोनों लॉक तोड़े हैं, और अलमारी का तो पूरा ही टूटा पड़ा है, देख लीजिए कितना ये पूरा बुरा हाल करके रखा है, ये अंदर का लॉकर भी। तो घर में कोई भी नहीं होता उस वक्त? नहीं हम नहीं थे, दिवाली पे आए थे बस, सफाई वगैरह करके चले गए और उसके बाद ही हुआ है। तो सर की ड्यूटी कहाँ पर होती है? सोनीपत। आप लोग वहीं पर रहते हैं? हाँ वहीं पर क्वार्टर में हम लोग रहते हैं। अच्छा वहीं पर रहते हैं? हाँ जी, इनका हर 3 साल में ट्रांसफर होता रहता है, तो इसलिए सोचा कि कहाँ घर का ज्वेलरी उठा के हम लोग घूमेंगे, तो इसलिए नहीं लेके गए थे। तो ऐसा लग रहा है किसी पर ऐसे शक हो या कोई सीसीटीवी कैमरा किसी का लगा होगा तो आसपास कुछ आया ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, ना ही शक है हमको किसी के, कोई पीछे से आया, कौन चोरी के इरादे से आया हम नहीं जानते। पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि घर में कोई ना हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ, घर में पहले रहते थे मम्मी पापा मेरे सास ससुर दोनों रहते थे, लेकिन ससुर के एक्सपायर हो गई 1 साल पहले। अच्छा। उसके बाद से हम मम्मी को साथ में ही रख रहे हैं, लेकिन फिर भी मम्मी बोली तो मतलब कि घर बंद रहता है, घर में कोई नहीं रहता? बंद था अभी। अच्छा हाँ जी, 1 साल से बंद था, आते रहते हैं हर 3 महीने में 2 महीने में, हाँ हम लोग आते रहते हैं, घर बंद रहते हैं। हाँ जी हाँ जी, वही मतलब एक गलती ये भी हो गई कि घर आप लोगों का बंद रहता है, यहाँ पर कैश भी रखा हुआ था, क्या गोल्ड चोरी हुआ है क्या कुछ हुआ? हाँ गोल्ड, बस ओनली गोल्ड, बाकी सामान बिखरा हुआ था, पूरे पेटी हमारी पूरी बिखरी हुई थी, बिस्तर सब कुछ बिखरा हुआ था, अलमारी को पूरा तोड़ फोड़ के निकाल के देखा है, पर वही गोल्ड जो मिला उन्होंने वही उठाया बस। तो आप देख पा रहे हैं ये अलमारियों का जो है लॉक तोड़ा जाता है, आप देख पा रहे हैं कि घर जो है बंद रहता है। सीआरपीएफ जवान अश्विनी जी जिनकी ड्यूटी जो है सोनीपत में होती है और यहाँ पर कभी कभी घर परिवार में वापस लौटते हैं, पूरा दरवाजा जो है उसका टेढ़ा हुआ है, 3 ताले बताए जा रहे, पेटी का जो आप देख पा रहे जो लॉक होता है वो पूरा टूटा हुआ है, और यहाँ पर जब घर पहुंचते हैं सारा सामान बिखरा हुआ होता है। तो मतलब आंटी जी वैसे ही घर पर आते हैं या कोई बताते हैं आपको चोरी हुई है? नहीं हमको नहीं पता था, नहीं पता बिल्कुल भी, मैं तो अपने मायके आई थी। अच्छा। हाँ मिलने के लिए ऐसी, तो मम्मी भी आ गई साथ में कि मैं भी घर में देख के आती हूँ, तो आके देखा तो पूरा बाहर का लॉक लगा हुआ था हमारा मेन गेट का, लेकिन अंदर आके जब देखा ना तो पूरा दरवाजा भी खुला मिला, लॉक भी पूरे टूटे हुए, और अंदर पूरा सामान उथल पुथल बिखरा हुआ सारा मिला। तो पड़ोसियों से पूछे किसी को पता चला हो कि रात के वक्त आए हैं, किसी को पता चला हो एक आहट आई हो कि कुछ लोग हैं? हमने सबसे बातचीत की है, सबसे सब लोग पता लेने भी आए, देखने भी आए, लेकिन किसी ने नहीं माना कि हमको आवाज भी आई है, ऐसा कुछ भी श्योर नहीं है। किसी के लगे हुए सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए किसी के घर के बाहर गली में? तो नहीं है एक्चुअली, आसपास में मुश्किल है, तो ना ही यहाँ पर किसी के यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात जरूर है, चमारखेड़ा गांव की ये वारदात जो है
किस तरीके से चोर पहुंचते हैं और एग्जैक्ट ये भी नहीं बता सकते। ये मेरा अलग से थे, सारे बटुआ पैसे थे, उनका चैन भी नहीं लगा हुआ था, ऐसे खुला हुआ पूरा। यहाँ इनमें गोल्ड की वो थी, अंगूठी वगैरह और पायल इन सब में थी। कैश था इनमें 10,000-15,000 के करीब। मम्मी का पेंशन मिलता है, विधवा का पेंशन, तो वही वाला सारा मम्मी रख के गई थी कि आती हूँ तब देख लूंगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। पैसे रखे जाऊं थी इनमें, जैसे ये बेटा देकर जाता वे भी रख दूं थी, मेरी पेंशन आती वो भी कटवा कर इसमें रख दूं थी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आंटी जी? कर सका जी भी देखो, नहीं सोचा भी जल्दी से जल्दी पकड़े जा रहा भाई आगे, ऐसा नहीं हो। अब चल कर दिया, दो घर हम चोरी करा किन है, दो घर हाँ एक और पड़ोस में। अच्छा, और भी किसी के घर चोरी हुई है? हाँ जी, सुनने में आया है कि एक घर और चोरी हुआ है। अच्छा, आपका तो ये भी नहीं कह सकते ना एग्जैक्ट, आपको ये भी नहीं पता कि कब चोरी, क्योंकि घर तो बंद रहता है, क्योंकि नहीं कह सकते कि 4 दिन पहले हुई है, 5 दिन पहले हुई है। वो तो यहाँ पर जब लौटते हैं घर पर तो पता चलता है कि नीचे सारे को बिखरी पड़े था, सारे को सारा सामान से हमको पुलिस वाले ने गिरवाया, इसमें भी घेर दे तुम सोओगे भी तो यहाँ सारे को बिल्कुल पैर धन का रास्ता नहीं था। किंगी भी भाई ये तो मैं इसमें काबू कर लिया हमने भाई, देखभाल लिया कर लिया, इसमें घेर कर चले गए जी। और मेरे बाकी पैसा एरे जेवरे काट दिया, कुछ भी नहीं छोड़ कर गए, जो चाहे कैश था या फिर आपके जो गहने थे जो मिला अपना कार्ड का निकाल कर ले गए, चाहे कुछ भी था। तो जितने भी ताले होते हैं पेटी के वो सब तोड़ दिए जाते हैं, सामान सारा बिखरा हुआ होता है, और आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ एक परिवार पर बीतती है जब घर पर वापस लौटते हैं। और जैसे उनकी पेंशन मिलती है आंटी जी की, वो संभाल के रखते हैं कि बेटियां आती हैं बेटियों को कुछ देने के लिए, लेकिन जब घर पर लौटते हैं दरवाजे खुले होते हैं, ताले टूटे होते हैं, सामान सारा बिखरा होता है और लाखों की तकरीबन चोरी हो जाती है। पुलिस में हालांकि कंप्लेंट जरूर दर्ज करवा गई है, पुलिस जांच का विषय है ये कौन वो चोर है आखिरकार गाँव में इस तरीके से चोरी होना, क्योंकि में ऐसे अक्सर देखते नहीं कि इजीली कोई चोरी कर, आसपास सब घर होते हैं, छतें भी सबकी साथ में लगती होती हैं। हाँ जी, बस यही रीजन है कि हम लोग छोड़ के गए कि आस पड़ोस का बहुत पहरा है यहाँ पर, कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा सामने हर लोग, विश्वास भी होता है। हाँ जी, विश्वास सबसे ऊपर था, इसलिए हम लोग नहीं लेके गए, लेकिन नहीं सोचा था कि पीछे से ऐसा का रास्ता चल सारे का सारा काम का चौपाल के आगे है भाई, मारे घर की सेफ्टी है। अच्छा, सामने चौपाल है भाई, इसमें आधी आधी रात लग बैठे रहे बंदे, ये बराबर में घर है, इनको भी कहा हमें आवाज नहीं आई, एक पिछले का नहीं है उनमें भी इनको आवाज नहीं आई। तो आप सोच सकते हैं कि एक सीआरपीएफ जवान जो देश की रक्षा करता है अपने घर परिवार से दूर जाकर वहां सोनीपत में ड्यूटी कर रहे होते हैं और उन्हीं के घर में चोर आते हैं और चोरी कर चले जाते हैं, क्या पूरे परिवार पर बीत रही होती है? एक विश्वास होता है क्योंकि गांव में सभी घर आसपास में लग रहे होते हैं, छतें लगी होती हैं, एक परिवार जैसा हिसाब होता है, सामने चौपाल है, लेकिन जब घर पर वापस लौटते हैं कभी कभी आते हैं तो देखते हैं सारा सामान बिखरा हुआ है, कैश चोरी हो चुका है, सोने और चांदी के गहने चोरी हो चुके हैं, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई है। हालांकि मैम की तरफ से भी कहा गया है कि साथ में शायद किसी और की भी आसपास चोरी हुई है, तो ये पुलिस जांच का विषय जरूर है कि पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि करनाल में चोरी के मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों से ये भी अपील है कि अपने घरों में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाएं, थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि चोरी के मामले लगातार करनाल में बढ़ते हुए दिख रहे हैं और सीआरपीएफ जवान के घर इस तरीके से चोरी हो जाना करनाल में वो एक बहुत बड़ा मामला है। तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से चमारखेड़ा गांव से, मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ।